हाय एवरीवन, आज हम लोग बेला का न्यू गाना है उसको सुनने वाले हैं, उसको रियाक्ट करने वाले हैं। इट्स बिन अ वाइल, हमने बेला को कोई गाना नहीं सुना। हम्बल पोएट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि उसको सुनो, उसको रियाक्ट करो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसको कर देंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट और कर लो क्योंकि 50 पीपल आर नॉट इनाफ। मैं इंटरेस्टेड हूँ, गाने का नाम है घर वाले। अब मुझे नहीं पता घर वालों को किस तरह से उनको दिखाया जा रहा है, उनको पॉजिटिव लाइट में, नेगेटिव लाइट में। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम एक्साइटेड। लेट्स डाइव इन। 3, 2, 1। म्यूजिक। क्यों नशे से लगाया मैंने दिल, समझ ही नहीं पाए घर वाले। अम्मा मेरे बाप से लड़े, फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके। रोए बिना साला दिन ना निकलता है, गेम्स खेलूं ताकि दिन मेरा कट जाए। I've been real since day one brother, मेरे जैसा कोई हो तो वो समझ पाए। प्यार करूं मगर किससे करूं, चलना भी चाहूं किससे जलूं। बिना दिल के दिमाग वाला आदमी तू, कैसे मान लूं उसका बनाया आदमी तू। हूं मैं बेपरवाह, मुझे चिंता की कहां पड़ी है, कहां पड़ी है। अबे कला मेरी तेरी इस सोच से ही काफी बड़ी है, काफी बड़ी है। हमें रोज मिले ताने हम खा लेंगे जी, ताने एक हो या दस हम गा लेंगे जी, थाली एक हो या दस हम बांट लेंगे जी। हाथ भाई पे उठेगा उसे काट देंगे जी, मेरे सर पे घमंड मेरे पाँव में दल दल, दोनों को ही जड़ से उखाड़ दूंगा जी। जब मैं छीन लूंगा तुझसे मेरे हक को जानी, तो साली दुनिया के कर्ज को उतार दूंगा जी। इंडस्ट्री तो धोखा तुझे देती रहेगी, इसे खा के जो आगे तुझे बढ़ना पड़े। मेरी जान तेरे काम में 100 जख्म, भले तुझे 101 जख्म के लिए लड़ना पड़े। तेरी किस्मत तुझे तेरे हाथ से बनानी ब्रो, दुनिया जो तुझे नीचा दिखा रही, कभी नीचा ना दिखाती, इतिहास से बनाती। तो हमें गलत, तू तो सही, कौन है जो मैं बोला सुने सारे मौन है। इनमें से कोई एक गलत मुझे साबित करो, जो जो दिया मैंने तुम्हें मुझे वापस करो। नशे से लगाया मैंने दिल, समझ ही नहीं पाए घर वाले। अम्मा मेरे बाप से लड़े, फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके। तनहा 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 तनहा, देखो ना जो देखो, इन आंखों का गुस्सा तू, आंखों के पीछे का दुख भी देखो ना। मर सा गया हूँ माँ तेरे लिए, तेरे लिए। मैं पैसा कमा रहा हूँ पापा, किसके लिए, किसके लिए। चार दीवारी में अब मेरा दिल न लगे, दिल न लगे। बुझने लगे हैं खुद मेरे घर के दिए, घर के दिए। मेरा उठ तुझे लड़ना पड़ेगा, ये ना है तेरी लड़ाई, है लोगों की लड़ाई। ऐसे लोगों की उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए, मेरी लाइन दिमाग में बस घूमनी चाहिए। आया कर एस्ट्रो बातें मुझसे तू हर दिन किया कर, दिल मेरा भरना नहीं चाहिए, मेरा जानवर मरना नहीं चाहिए। पहनूंगा मैं बहुत महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है। मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। खैर ये तो हो गई बात की बात, मेरा दिल नहीं था आज की रात। तो मैं बोल दूं मैं दिल की बात, मगर क्या करूं करना पड़ता है। क्यों नशे से लगा मैंने दिल, समझ ही नहीं पाए घर वाले। माँ मेरे बाप से लड़े, फिर मैं बाप से लड़ूं मेरे स्टूडियो में जाके। होप ये है कि मेरी माँ मेरे बाप से लड़े और मैं अपने बाप से लड़ूँ स्टूडियो में जाके। स्टूडियो में जाके का मतलब है कि मैं जो लिखता हूँ, मैं जो गुस्सा है वो मैं अंदर दबाता हूँ और उसको फिर मैं राइटिंग में निकालता हूँ और सिंगिंग में निकालता हूँ। उसको बहुत ब्रेक डाउन नहीं करूँगी, मगर इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम लोगों को जो चीज़ें हर्ट करती हैं, जो लोग हर्ट करते हैं, और स्पेशली ये एक बहुत बड़ी लाइन है कि हमको सिर्फ हमारे नज़दीक के लोग हर्ट कर सकते हैं। द पीपल वी लव, दे आर द वन हु कैन हर्ट अस, बाकी नहीं। ये राधिका आप्टे की लाइन है, प्रॉब्ली बहुत मशहूर है, कि हम लोगों को जिन लोगों से प्यार है वो हमें हर्ट कर सकते हैं, बाकी लोग हर्ट नहीं कर सकते। तो उनको हम क्या कर सकते हैं? हम जब हर्ट हो जाते हैं तो हम गुस्सा अपने काम में निकालते हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे जाएँ, हम आगे बढ़ें, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो म्यूज़िक के थ्रू अपना गुस्सा निकालते हैं, अपना कंप्लेन राइटिंग में निकालते हैं और सिंगिंग में निकालते हैं। गाना बहुत अच्छा है, बहुत लाइक पता है, गाने का सब्जेक्ट डिस्कस ज़्यादा किया जा सकता है, ना कि ये कैची है, इसका लिरिक्स ये है, इसका इंस्ट्रूमेंट ये है, वो सब बहुत अच्छा है, मगर गाने का सब्जेक्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और हम ये बात नहीं करेंगे कि नशा करने वाले को समझना चाहिए, नशा ये नशा वो बहुत बाद की बात है। मैं एंड रिज़ल्ट के बारे में बात करूँगी कि फाइनली ही मेड इट, दैट इज़ अ गुड थिंग।
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बस अपनी जो पेन है उसको सही जगह डायरेक्ट नहीं कर पाते। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा तो वो मैं स्टोरी छेड़ूंगी भी नहीं। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी पिछली सेंचुरी की, उसकी स्टोरी बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स उसको डिस्कस करते हैं कि लोग जब हर्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो हर्ट कहाँ पे चैनल करना है, कहाँ पे उसको निकालना है, मगर बहुत सारी लाइक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज ट्रैप्ड। उनको पता भी नहीं है कि हमने करना क्या है, वो ओवर थिंकिंग के सर्कल में चले जाते हैं, दोबारा से उस सर्कल को रिपीट करते रहते हैं और वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो बेला हैज़ कम आउट, ही इज़ मेकिंग गुड म्यूज़िक और उसको पसंद करने वाले लोग हैं, लोग उसका म्यूज़िक पसंद करते हैं, उसका म्यूज़िक चार्ट पे रैंक करता है और लोग उसका पूरा फैन बेस है जो उसको सुनना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है। और स्ट्रगल चलती रहेगी दुनिया में, जो किधर भी पहुंच जाए स्ट्रगल थोड़ी ख़त्म होती है। मतलब ये तो एक बचकाना बात है कि आपको कि इफ़ यू मेक इट तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन जो तुमने सोचा होगा कि ये मेरी डेस्टिनेशन है या ये मैं अचीव करना चाहता हूँ तो मुश्किल ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा होगा नहीं। तो आई एम ग्लैड कि बेला इज़ चैनलिंग हिज पेन हिज सफरिंग्स इन टू समथिंग ग्रेट और मैं आई विश हिम ऑल द गुड लक इन द वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ कि ये इंडिया का सबसे बड़ा रैपर बन जाए क्योंकि ही हैज़ द पोटेंशियल, ही हैज़ द टेंडेंसी एंड ही हैज़ अ गुड हार्ट। या आई थिंक सो, लाइक हम जितना मैं इसको जानती हूँ। तो ऑन दैट नोट आई एंड दिस वीडियो, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट बेला के रिएक्शन। तब तक के लिए ख्याल रखो मेरा, सब्सक्राइब दिस वन फॉलो मी, क्या ख्याल रखोगे, फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस वन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम डायमंड मेमोना, बाय, गुड नाइट, लव यू।